क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। अगर ना पता है तो हम बताते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। दोस्तों वो टॉपिक्स आते हैं जीके में जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते दोस्तों, फिर कहते हैं अपने लोग अरे यार आसान आसान, हम लोग वो चैप्टर पढ़ के जाते हैं दोस्तों जो हाईलाइट होते हैं, जो सभी पढ़ते हैं, कुल मिला के जो सभी पढ़ेंगे वही अगर पढ़ोगे दोस्तों तो कोई कंपटीशन आप नहीं कर पाओगे एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं वो टॉपिक लेके आता हूँ जो एक्स्ट्रा है, जो कि शोध संस्थान या अनुसंधान, आप मान लो दोस्तों अनुसंधान भी कहते हैं, जिसमें दोस्तों आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, और लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है और हम लोग इग्नोर भी मार देते हैं कि यार एक क्वेश्चन ये क्या है इतना, लेकिन दोस्तों ज्यादा नहीं है 18-20 है सिर्फ, और 18-20 अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आपका कहीं नहीं जाने का, और हाँ ये पेट में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका, और हाँ जिसने भी कल की हिंदी की क्लास ना देखी है रचना एवं रचनाकार, तो दोस्तों जाओ क्लास देखो जाके, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, रचना की जगह रचनाकार लिख गया, रचना जगह रचनाकार हो गया ना, तो उसकी टेंशन ना लो, आपके समझ में आएगा। ट्रिक बताइए दोस्तों, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताइए, जिसने भी वीडियो देखी होगी आप लोग उनके कमेंट देख लो, वीडियो अच्छी लगी ना लगी, और आप लोग जाओ पहले वो वीडियो देखो उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है ना। आप सभी को पता है 8:30-9 बजे मैं हिंदी की क्लास वहां प्रोवाइड करा देता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले डालो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, या फिर कहाँ है, ठीक है ना। तीन राज्य दे देगा आपको वो, मणिपुर, गोवा, पणजी, पता नहीं क्या क्या, ऐसे तीन चार पांच राज्य, चार राज्य दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अब जब ऐसे पूछेगा तब आप लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा उसमें आने वाले हो, ठीक है ना। और क्वेश्चन है कई बार आया है कृषि वाला, और दोस्तों उसको लिख लो नई दिल्ली, नई दिल्ली। दोस्तों 100% आने वाले क्वेश्चन ये है दोस्तों, याद रख लो बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों लिखो, अभी मैं इसको सिखाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, अच्छा सिखाते चले दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दोस्तों याद रखो कि दिल्ली में कृषि नहीं होती है ज्यादा, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि यार दिल्ली में तो कृषि होती ही नहीं है बिल्कुल, तो दिल्ली में ही कृषि होती है, या ऐसे रखो कि कृषि हर जगह गोली मारो, मजाक में ले लो कि यार दिल्ली में वैसे कृषि नहीं होती, कह दो अरे यार क्या कृषि, कृषि खेती की बात करते हो, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में खेती होती है, जबकि आप सभी को पता है दिल्ली में कम खेती होती है। तो लिख दो दोस्तों कि दिल्ली में कृषि, जब भी दिल्ली नाम है, कृषि नाम है, तो आपको दिल्ली याद आनी चाहिए ना कि कृषि करने हम दिल्ली गए, ठीक है ना, या खेत में काम करने हम दिल्ली गए, तो इस हिसाब से ही आपको दिल्ली याद होगी, कृषि दिल्ली, जहाँ कृषि मिलेगा वहां आपको दिल्ली मिलेगी, और टिक लगा दो सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा लिखो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये तो दोस्तों सेम ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें ज्यादा, या केंद्र कर लो, यहाँ पर केंद्र होगा शायद, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, शायद ये केंद्र होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा चीज ना लिखा रहा हूँ जिससे कि टाइम की बचत हो, ठीक है ना। दोस्तों ये कहाँ होगा हमारा, तमिलनाडु में, वो भी कब कहाँ पर दोस्तों, राष्ट्र केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ, तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु में भी दोस्तों अगर तमिलनाडु ऑप्शन ना रहा तो कहाँ, कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें आप टिक करोगे, मैं बता रहा हूँ, कोई आप लगाओगे कटेयम, कटे हो नहीं दोस्तों, तमिलनाडु में तो है ही है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तमिल नाडु, अब तमिलनाडु के दोस्तों अंदर ये होती है, ठीक है। अब तमिलनाडु के अंदर दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां पर ये होती है, कोयम्बटूर, कोयम बट्टूर, ठीक है ना, कोयम्बटूर। तो दोस्तों अब याद करो कैसे करो, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ही होगा दोस्तों, क्योंकि संस्थान ही होंगे ये केंद्र, दोस्तों दोस्तों वो हो जाते हैं जैसे कि भामा परमाणु केंद्र, ऐसे केंद्र होते हैं, ये संस्थान ही है, ठीक है। अब दोस्तों याद रखो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ठीक है, गन्ना दोस्तों, गन्ना और तमिलनाडु कोयम्बटूर, जब देखो कोयम्बटूर याद रखोगे तमिलनाडु याद आ जाएगा, तमिलनाडु तो कोयम्बटूर। दोस्तों गन्ना खाने आप सबसे पहले कहाँ गए, तमिलनाडु, आप तमिलनाडु गए घूमने, आपने वहां खूब गन्ने खाए, आप तमिलनाडु घूमने जाते हो और वहां खूब गन्ने खाते हो, मतलब आप कहीं जाओ एक जगह आप गए तमिलनाडु घूमने, आज से याद रख लो ना अपना पर्सनल क्वेश्चन, मान लो ये कि मैं यार तमिलनाडु गया घूमने, वहां मैंने गन्ना भी बहुत खाया,
तमिलनाडु गया, गन्ना बहुत गया, जहां गन्ना मिल जाए वहां तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा सभी गुप्ता है कोयम्बटूर उसकी राजधानी, तो सिंपल सी बात है ठीक है। ऐसी कृषि कृषि नई दिल्ली करने गए थे ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद किए जाते हैं। अब दोस्तों तीसरा पढ़ते हैं ठीक है दोस्तों, तीसरा लिख लो भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन दलहन शोध संस्थान। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं एक साथ ठीक है ना, आप लोग भटकते रह जाओगे दोस्तों, कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं जो क्लास दूं अच्छे से पढ़ लो दोस्तों बहुत अच्छे से। कानपुर ठीक है ना दोस्तों, लिख लो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। अब याद रख लो दोस्तों कि दाल दलहन, जब आप दाल रखोगे याद ना, सिर्फ इतना सा याद रखना आपको, दाल दाल कानपुर की बहुत अच्छी है, ऐसे लिख लो याद कि दाल भैया कहीं भी खा लो उत्तर प्रदेश बंगाल या कहीं भी, लेकिन कानपुर की दाल जो खा लो ना मजा आ जाता है। तो दोस्तों दाल जब भी दलहन आए, दाल दलहन ठीक है ना, जब भी दाल दलहन आए तो दोस्तों कानपुर ही लगाना आप लोग ठीक है, याद रहेगा कि दाल खाने कानपुर का। जैसे क्या याद रहेगा, गन्ना, गन्ना खाने कहाँ गए आप लोग तमिलनाडु, कृषि कहाँ होती है दिल्ली, ज्यादा कृषि हम लोग करने दिल्ली गए। पर्सनल क्वेश्चन ये मानो, अपने अपने आप को पर्सनल मान लो एक व्यक्ति कि मैं ये कृषि भी करने नहीं दिल्ली गया फिर गन्ना खाने में, लेकिन कृषि मैंने दिल्ली में की और लेकिन गन्ना मैंने कहाँ खाया, जाके तमिलनाडु में यार बताओ। और फिर दलहन, जब दलहन की बात है तो कानपुर की भैया फेमस दलहन है, बस तीनों याद हो गए होंगे। देखो दोस्तों पढ़ा तो मैं सिंपल सिंपल लिखा दूं, बस उतार लो आप अपने नोट्स में, कोई फायदा नहीं उसका, वो पढ़ाई मायने नहीं रखती मेरे नजरों में ठीक है ना। केंद्रीय चावल दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान, अनुसंधान ठीक है लिख, अनुसंधान संस्थान, ज्यादा लंबा क्यों लिखें दोस्तों है ना, जब आप सभी को पता ही है कि यही सब होने वाला है दोस्तों। कटक, कटक ठीक है ना, कटक की राजधानी कहाँ दोस्तों, भुवनेश्वर नहीं, कटक किसकी राजधानी है, भुवनेश्वर की तो उड़ीसा है यार, कटक कहाँ है यार, कमेंट में बताना दोस्तों कटक कहाँ है। कटक देखो मेरा तो बिल्कुल माइंड से उतर गया, कटक कटक, अरे यार कटक में तो क्रिकेट बहुत होता है, कटक में देखो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कटक में क्रिकेट बहुत होता है यार, होता नहीं होता है बताओ। और कटक अच्छा खासा एक स्टेडियम फेमस है उधर की तरफ। चलो याद रखो केंद्रीय चावल, जब से दाल आपको कानपुर की अच्छी लगती है, चावल आपको कटक के, और कटक ही ऑप्शन आता है इसलिए कटक ही डायरेक्ट दे रखा है। चावल आपको दोस्तों, दाल आपको कानपुर की अच्छी लगती है और चावल आपको लगते हैं कटक के अच्छे, और गन्ना खाते हो आप तमिलनाडु में ठीक है, चावल कटक के अच्छे, चावल जो कटे ना वो अच्छे, यानी चावल कटक, चावल ऐसे खाओ भैया जो कटे ना किसी पर, यानी चावल कटक, बस दो वर्ड याद रखने पड़ते हैं दोस्तों, बाकी कुछ ना याद रखो। भारतीय केंद्रीय, आपको पता है केंद्र मेरा शोध संस्थान जहां आ जाए कि ये अनुसंधान कहाँ है, आपको ध्यान आना चाहिए, अरे मैंने तो ऐसे पढ़े थे चावल, चावल खाली मुझे पता हो तो मुझे पता है कटेंगे नहीं, चावल कटक ठीक है, बस इसी तरह याद करने हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ करना नहीं है क्लास में, क्लास दूंगा दोस्तों ऐसे ही जिसमें आपको कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े और क्लास में ही याद हो जाए, मेरा यही रहता है दोस्तों ठीक है। दोस्तों दूसरा है केंद्रीय, सॉरी पांचवा, खनन, खनन लोग जान ही रहे हो, खनन, केंद्रीय खनन अनुसंधान, अनुसंधान ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है ये, केंद्रीय खनन अनुसंधान दोस्तों, केंद्रीय अगर खनन अनुसंधान की बात करें तो धनबाद में, ये दोस्तों डायरेक्ट आते हैं इसलिए डायरेक्ट ही मैंने नोट्स बनाए थे, धनबाद में ठीक है ना, धनबाद में कहाँ दोस्तों, केंद्रीय खनन धनबाद में। अब याद इसको दोस्तों ऐसे चाहो कर लो, खनन, खनन ज्यादा कहाँ होता है, धनबाद में, या धनबाद एक कुछ भी मान लो उसमें खनन बहुत ज्यादा होता है ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो तीन चार ऊपर पढ़ाए थे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है ना। अब देखो भामा परमाणु वाला, ये है इंपॉर्टेंट यार, ऐसे पढ़ो भामा परमाणु, परमाणु देखो मैं यार यही चीज में मिस्टेक बहुत करता हूँ यार, माइंड क्योंकि कहीं होता है और लिखता कहीं हूँ इसलिए गलत होता है परमाणु। अब ऐसा थोड़ी ना कि हिंदी ना लिख मिले किसी को है ना, सही बात है, लेकिन वही चीजें माइंड कहीं हो और कुछ भी सोच रहे हो, अब आगे सोचना पड़ता है पढ़ाने के लिए दोस्तों। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र ठीक है ना, सेम रहेगा अनुसंधान केंद्र ठीक है दोस्तों। भामा परमाणु दोस्तों आप सभी को पता है ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दोस्तों। अब देखो भामा परमाणु बोले तो बम,
आप लोग लिखा दो कि भैया जो बम फटी थी ना, जो संजय दत्त भाई साहब ने फाड़े रहा है अपने, वो महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र मुंबई कुछ भी मान लो, ये आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आपको याद आओगे ना, तो ऑप्शन मिलेगा आपको महाराष्ट्र, सीधे सीधे ट्रांबे, ट्रांबे महाराष्ट्र। आप सोच लो भामा परमाणु हमारा कहाँ है, ट्रांबे महाराष्ट्र। ठीक है, इसी तरह याद करिए जाते हैं दोस्तों, और इसकी कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं होती है, याद रखना। एक्स्ट्रा ट्रिक बनाएंगे ना, मानो वो ट्रिक होती है ये हो यो यो, और फिर उसमें से एक निकालो, दो निकालो, दोस्तों वो याद तो आपको हो जाएगी 100%, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलता कि एक क्वेश्चन के लिए आप पूरे पूरी ट्रिक लिखो, फिर उसके बाद एक एक का ढूंढो कि अब मिल रहा नहीं मिल रहा है। दोस्तों मेरे मुझे बहुत ट्रिक पता है, याद रखो मुझे बहुत ट्रिक, लेकिन मुझे ट्रिक सक्सेसफुल नहीं लगी है दोस्तों। सक्सेसफुल यही लगती है कि कृषि करने कहाँ गए थे हम लोग भैया, नई दिल्ली। गन्ना खाने कहाँ गए थे भैया, तमिलनाडु गन्ना खाने गए थे। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखो बस। दाल कहाँ की प्रसिद्ध है, कानपुर की, जबकि चावल कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, देख सकते हो चावल कहाँ के, कटक के, जो कटे ना। खनन कहाँ प्रसिद्ध है, धनबाद के। परमाणु बम, ट्रांबे महाराष्ट्र। हो गए 6 के 6 याद, नहीं पहले ये बताओ। अब आगे बढ़े दोस्तों, मिटा रहे हैं आप, तब तक याद कर लो, है ना। मेरे सारे सारे दिल दोस्तों, याद हो रहे क्लास में नहीं हो रहे, पहले ये बताओ यार दोस्तों। सातवां राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्र, समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्थान ही होंगे ये सब, संस्थान है तो संस्थान ही चल रहे हैं, उसमें आप बार बार लिखें दोस्तों फिर भी ठीक नहीं है ना दोस्तों। ये पणजी है, पणजी, 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 आपको ऑप्शन मिलेगा पणजी, लेकिन ये कहाँ है, गोवा में, आप सभी को पता है। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, पणजी, पणजी गोवा में ही है, बता देना मुझे, मैं भी देखो, आप सोचो बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट टीचर हूँ भैया ना, पर यही चीज़ है, जितनी कला है आप सब लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों का अगर भला हो रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, राष्ट्रीय इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, पर लिखा रहा हूं इसलिए कि आप याद कर सकते हो, जो नाम मिले तो आपको बोल, देखो आपको ऑप्शन जब मिलेंगे ना, जब आपको ये चीज याद होगी तो आपको तीन पता होंगे, एक भले ना पता हो तो पता क्या होगा, अरे यार ये तो मुझे कंफर्म पता है, तो ये चौथा बचा बस इसी को सही कर दो, और क्या दिक्कत है ना। सही बात है, यही होता है, यही मैं करता था यार। केंद्रीय आलू अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, संस्थान केंद्र, बात एक ही है यार, भूलना मत कभी बस, और क्या है, केंद्रीय आलू संस्थान दोस्तों, पता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी शिमला में, शिमला में दोस्तों आलू बहुत होते हैं, याद रखना, शिमला में, शिमला में आलू, और दोस्तों याद रखो शिमला में लोग आलू का काम करने भी जाते हैं, तो आलू भैया देखो, आप गन्ना आपने तमिलनाडु में खा लिया, चावल आपने कटेंगे नहीं, चावल आपने कटक के खा लिए, दाल आपने कानपुर की खा ली, अब आलू भी तो खा लो शिमला के यार, एक बार आलू भी तो शिमला के खाओगे ना, तभी तो पता चलेगा कि आलू कितने बढ़िया है, तो आलू शिमला के खाओ, ठीक है ना, शिमला जाओ आलू खा के आओ, बस याद हो जाएगा यार, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड कुछ करने का है जरूरत नहीं। ठीक है ना, क्लास दोस्तों जीके की ऐसे ही मैं दूंगा, जितनी भी क्लासें दूंगा आपके एग्जाम तक, 100% कह रहा हूँ, आप 30+ जाओगे जब एग्जाम होने होगा ना, 30+, और भले मैं कह रहा हूँ फाइनल दोस्तों, मेरा कोई जीके में स्कोर नहीं है, मैथ रीजनिंग हिंदी मेरा 100 वो सॉरी 100+ है मेरा, मैथ रीजनिंग हिंदी तीनों में, वो भी 100 मात्र 12 में। ठीक है, आप लोग सोच सकते हो फिर मेरे जीके में क्या हाल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बुरा हाल रहा था जीके में, क्यों, जीके में देखो पढ़ा भी नहीं था, मुझे ऐसे किसी ने पढ़ाया भी नहीं था, और पढ़ता भी था तो रट्टा मार मार के, वो कभी साला याद ही नहीं रहा मुझे, और यार बिल्कुल सब बेकार हो गया था। भारतीय खगोल संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान, देखो लिखा दे रहा हूं लेकिन ये आएगा नहीं, लिख के ले जाओ मुझे, ठीक है ना, बेंगलोर, बंगलेरु होता है ना, इस तरह होगा, बेंगलुरु, बेंगलुरु होता है, बंगलुरु होता है, पता नहीं क्या होता है यार, समझ में भी नहीं आता, ध्यान ही नहीं रहता कुछ, बेंगलुरु दोस्तों आने वाला नहीं है, इस पे ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करना नहीं आता दोस्तों। 10वां लिखो फटाफट आगे, मैं सोचता हूँ ज्यादा आपका समय भी ना जाए ना। 10वां दोस्तों आपका है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, केंद्रीय भवन अनुसंधान निर्माण, ठीक है ना, अनुसंधान निर्माण संस्थान, ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान निर्माण संस्थान, संस्थान
दोस्तों कहाँ है रुड़की? रुड़की याद रखो भैया, रुड़की 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 भैया, भवन कहाँ बनेगा? रुड़की, रुड़कते रुड़कते हमारा भवन बन गया, रुड़कते रुड़कते हमारा भवन बन गया भैया, भवन का निर्माण हो गया रुड़कते रुड़कते, यानी कि रुड़की में भवन, रुड़की में है दोस्तों, रुड़कते रुड़कते हमारा भवन बन गया कंप्लीट, ठीक है ना। बस इसी तरह से याद रखे जाते हैं दोस्तों, याद रखो 11वां इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भवन है इसलिए याद कर लो, रुड़की आता भी है ऐसी बात नहीं है। भारतीय मौसम वेधशाला, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय मौसम वेधशाला, वेधशाला भारतीय मौसम वेधशाला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो बहुत अच्छे से कहीं पर, पुणे। और जो स्टार्टिंग के चार बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो सभी है, कोई सा भी फिर पूछ ले, पढ़ना आपको सभी पड़ेगा, मेरे ऊपर ना रहे ना दोस्तों, कैमरा देख लूँ एक बार आज आ रहा है नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है क्लास इस समय, कैमरा भी मुझे ही देखना पड़ता है जिससे कि साला गलत ना हो जाए। सॉरी यार ये लैंग्वेज थोड़ी उल्टी सीधी है, आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दो, है ना। बढ़ो आगे, चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान दोस्तों कहां पड़ता है हमारा? चेन्नई संस्थान, चेन्नई चेन्नई भैया, इस बार इतना ज्यादा बुरा खेले हैं चेन्नई वाले जिनका कोई जवाब नहीं, बिल्कुल जैसे नहीं कहते हैं अपने लोग कि इनको तो मारना चाहिए यार मेरे, ये इतना बुरा खेले हैं जो बिल्कुल ही बेकार खेले हैं। तो दोस्तों देखो मजाक में कह रहे हैं आप लोग, बुरा मत मानना कि चेन्नई वाले इतना बुरा खेले कि इनको तो चमड़े से मारना चाहिए यार इस बार, है ना दोस्तों, याद ऐसे ही होंगे। देखो दोस्तों अब मुझे पता है चेन्नई के कई एक फैंस होंगे तो उनको थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन बस याद करने के लिए यार, देखो पढ़ाई अपना देखो एक भविष्य है ना, फ्यूचर फ्यूचर बनाने के लिए कैसी भी ट्रिक हो दोस्तों याद होना चाहिए बस। दोस्तों चेन्नई इस बार के आईपीएल ऐसा खेली है कि उनको चमड़े से ही हमको मारना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मजाक में है दोस्तों, सीरियस मत लेना इसको, ठीक है ना, चमड़े से मारना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बस खाली मजाक में याद कर लो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लो ज्यादा नहीं। अब 12 हो गए दोस्तों, अब मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो। कितने हो गए थे दोस्तों? ध्यान भी नहीं है यार, 12 हो गए थे, बस थोड़ी देर क्लास और चलेगी, सब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट करवाना एक ही क्लास में बहुत जरूरी है, इसकी चार क्लासेस थोड़ी लूंगा अब 10 मिनट क्लास लेता क्या फायदा था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों देहरादून में, पेट्रोल डलवाने कहाँ जाओगे भैया? देहरादून में। कहीं मेरा आपको हिंदी समझ में आए तो भैया बहुत दिक्कत होने वाली, देहरादून में भाई पेट्रोल सबसे सस्ता कहाँ है? देहरादून में। तो कहाँ सभी लोग पेट्रोल डलवाओगे? देहरादून में, सभी लोगों को भैया पेट्रोल देहरादून में डलवाना चाहिए क्योंकि सस्ता है, ऐसे ही याद करोगे दोस्तों, पेट्रोलियम देहरादून, ठीक है, याद हो जाएगा बहुत आसानी से, जो बोलता जा रहा हूँ बस उसको ही एक दो बार रिपीट कर लेना मन में, और एक बार शाम को कर लेना याद हो जाएगा, ऐसे हिंदी में बताया अब तक जो क्लासें जिसने भी ना देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये चीज याद कर लो शॉर्ट में, अब तो वही चल रहा है जब चैप्टर तो उसको बार बार लिखने से क्या फायदा है। करनाल हरियाणा, करनाल अभी इसको देखो कितना अच्छा है करनाल, और आया है ये क्वेश्चन, आया है कहीं भी आया हो, मैं कई बार एग्जाम दिया हूँ तो मुझे पता भी है ये आया है दोस्तों। देखो मैंने एग्जाम तो कह दिए, लोको पायलट का भी मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन लोको दोस्तों दोस्तों ये बर्दिक जुनून की वजह से मैं लोको पायलट की जॉब नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बेस्ट थी क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज्यादा थे। तो दोस्तों चलो छोड़ो, पैसे ही सब चीज मायने नहीं रखती है, थोड़ा अपना भी तो पर्सनल भी तो होना चाहिए कुछ, है ना दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी बोले तो दूध, ठीक है ना, और दूध कहाँ दोस्तों? सबसे ज्यादा हरियाणा में ही होता है, हरियाणा में ही गाय भैंस बहुत ज्यादा होती हैं, कहते नहीं हरियाणी देखो यार ये तो भड़े भैंस हरियाणी लग रही है। तो दोस्तों डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, इसको ज्यादा एक बार पढ़ लो दूध से संबंधित हरियाणा, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, 15 याद हो जाएगा बहुत आसान है ये 15, और गलत भी ना हो जाए पाए याद रखना। कपड़ा उद्योग दोस्तों, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अनुसंधान। अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, देखो चार पांच बच्चे हैं, बस कपड़ा खत्म करते हैं यार, अहमदाबाद, ठीक है ना, इंपोर्टेंट भी नहीं है अहमदाबाद,
लेकिन आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि भले आप पढ़ो ना, लेकिन एक बार आप देख नजर जरूर डाल लेना, जिससे कि जब आप कोई विषय भी आ जाए तो आपको सब पता होने चाहिए, चाहे भले लगा ना पाओ लेकिन पता होने चाहिए। केंद्रीय वन अनुसंधान ये इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय वन। अब दोस्तों वन सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, वन भी दोस्तों केंद्रीय वन देहरादून, केंद्रीय वन देहरादून, और पेट्रोलियम भी देहरादून है ना, केंद्रीय वन दोस्तों देहरादून में ही है, देहरादून। तो कहने का मतलब दोस्तों केंद्रीय वन जंगल कहाँ सबसे ज्यादा, देहरादून में, याद आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, जंगल सबसे ज्यादा कहाँ, देहरादून में, यानी वन जंग देहरादून में सबसे ज्यादा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भैया जब वन है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जहां वन होंगे वहां दोस्तों सर्वेक्षण भी होगा, वो भी देहरादून में होगा, देहरादून में, ठीक है दोस्तों। याद है तीन तीन आ रहे हैं, इसका जरूर याद कर लेना भैया, तीनों कोई सा भी आ सकता है, अब तो ज्यादा बोलना पड़ो। बस दो दोस्तों और बचे हैं, केंद्रीय वनस्पति इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है, IMP लिख लो, केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति, अरे यार केंद्रीय वनस्पति, अरे कैसे भी लिख दो क्या दिक्कत है, आपको समझ में आना चाहिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो भी है अनुसंधान संस्थान यही चलेगा, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति दोस्तों लखनऊ में, आप सभी को पता है, ठीक है ना, केंद्रीय अनुसंधान लखनऊ, और लखनऊ कहाँ पड़ता है, लखनऊ अपने यूपी में पड़ता है यार, इतना पता होगा आप सभी को, लखनऊ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भैया इसलिए लिख लो क्योंकि ये अपना यूपी का पर्सनल है, ठीक है ना। केंद्रीय वनस्पति और वन वनस्पति, अब वनस्पति के याद रख लो पति भैया लखनऊ में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, और तो कहीं पाए नहीं जाते। भारतीय पुरातत्व लास्ट 19वां, भारतीय सॉरी भारतीय पुरातत्व अनुसंधान संस्थान, पुरातत्व दोस्तों पुरातत्व इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना, पुराना कहाँ है, कोलकाता, कोल काता दोस्तों सबसे पुराना कौन सा है, पुरातत्व कोलकाता, ठीक है ना, पुराना कोलकाता, पुरातत्व कोलकाता। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, सब चीज याद हुई ना हुई दोस्तों, याद ये चीज बताओ, और दोस्तों याद रखो सपना पूरा करना है ना, तो इस बार भैया मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, कंपटीशन हाई है आप सभी को पता है, अगर कंपटीशन आपको सबसे आगे निकलना है 10-5 क्वेश्चन, तो क्लासें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, कवर अच्छे से करो। देखो कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट में देखता हूँ, जिसके कमेंट में XYZ सभी के देखता हूँ, कोई ऐसा ना कहे जो मेरी कमेंट से मेरे नजरों से छूटे, क्योंकि मैं कमेंट अच्छे से देखता हूँ, वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आया, क्या लोग कौन किसको समझ में आ रहा किसको नहीं, अधिकतर बंदे सभी, मैं तो 100% ही समझ रहा हूँ कि सभी को समझ में आ रहा, अभी तक ऐसा एक भी बंदा अभी तक कमेंट नहीं मिला है मुझे कि जिसके समझ में ना आया हो पढ़ाया हुआ, ठीक है। आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा पढ़ाया हुआ, उसके लिए दोस्तों धन्यवाद, हम भी अपनी तरफ से कहते हैं क्यों, आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, बस ऐसे ही दोस्तों पढ़ते जाइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, बने रहिए दोस्तों, और अच्छे से प्यार दीजिएगा वीडियो को, और हाँ बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5-6 महीने हैं आपके पास अभी भी, और आग लगा दो, और इस बार आपको 120 क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों।